डिंगलोर सावल में आप रोगणे मान स्वागत करूं। आज आप रे समय नजर करूं लोक जीवन में बरखा ज्योतिष और सुगन विचार। एक बात है, लोक जीवन रो मुख जबानी साहित्य घणो सतोलो अमोलो और श्रावण जोग है। बूढ़ा बडेरों री बंतल में कदे कदे एड़ी गूढ़ और ज्ञान वाली प्रमाणिक बातों स्वामी आवे जिको किणी किताब में नी मांडियोड़ी है। ए बातों उन अनपढ़ मिनखों रे ये में छपियोड़ी है। आजकल रा मोटियार एड़ी ऐतिहासिक धरोहर री बातों में नी तो रुचि राखे और नी कदे बूढ़ियों री हथाई में बैठे। एन कारण शू ओ लूंठी विरासत एक पीढ़ी शू दूरी पीढ़ी रे मोह नी पसरे और सोई के रे शाखी बूढ़ियों रे सागे लुपत हो जावेला। जद सौटी धरोहर री जड़ाई कमजोर रहेला तो संस्कृति रो रूख सांगो पांग क्यों फलेला। इन वास्ते आज रे मोटियारों और टावरों ने आप रे घर रे बूढ़े बडेरों री बातों सुननी चाहिए और काफी माथे उतारो करनो चाहिए। मने तो बुजुर्ग लोगों री बातों सुनवा में बालपणे सु घणो चाव हो और आज ही है। ए धोली दाढ़ी और झुर्रीदार चेहरों वाली मूर्तों अपने आप में एक सोनीलो साहित्य और अलिखित इतिहास है। जे एण मानवी खजानेरो सबको जतन नहीं कीधो तो आवण वाली पीढ़ी ने कई पड़ोतर देवला। गिरबे जोग बात है कि आज री तारीख में कई हियरा सुगड़ एड़ा बुढ़िया चतुर सुजवण बैठा है जिन्होंने नखतर राशि बार तथ्य ग्रह गोचर तारामंडल दिश कूण घड़ी पुल पवन आदि कुदरती चीजों रो अंगलियों माथे लिखो है। खासकर बरखा रे सुगन विचार में उन मिनखोरी भविष्यवाणी डोरा डोर खरी उतरे। डंग बडली और कुदरती हलचल रा दुआ लोक जीवन रे मोए घना चावा ठावा और अंजस जोग है। डंग और बडली बाबत लोक जीवन में धारणा है के डंक महर्षि धन्वंतरी रो बेटो हो। धन्वंतरी ऋषि महाविद्वान ओखद वेद आगम बाकी और हर जीव जनार री बोण रा पार किया। कुदरत री हली चली पंखेरुओं री बोली धन धपन री चलगत आदरा जानकार हा। धन्वंतरी ऋषि रो बेटो डंक आपरे पिताजी रे एठोड़े ठाव में भोजन करवासू महातत्वज्ञानी और सुगनी हो गयो। बडली कोई जनजाति री लड़की ही जिको गांव रा टोगड़िया चरावती। एक दिन भूखी तिरसी बडली धन्वंतरी ऋषि री कुटिया सू बच्चो कुचो झूठो अन्न खाए और ऋषि रो एठोड़ो पानी पी लीधो। भाषा ज्यो ही बडली रे अन्न जल पेट पुगो उनरे अणभेरा कपाट खुल गया और अंतस में शेष चौंदन हो गयो। धन्वंतरी ऋषि रे देवलोक हुयो पछा एक दिन डंकर भडली रो समागम हुगो और दोनों ज्ञान चर्चा करवा लाग्या। ज्ञान चर्चा रे सवाल जवाब में भडली महापरमीण डंक ने हराए दीदो। भडली रो ओजस्वी ललाड़ ज्ञान रो अथा भंडार दे कवि डंक उनसु ब्याह कर लीदो। जद डंक बडली रे ब्यावरी खबर धन्वंतरी ऋषि रे कुड़बे ने पड़ी तो सगलों भेड़ा हुए डंक ने न्यात बारो कर दीदो। डंक बडली जिया जून सागे काटी और एक न्यारो कुल बनायो। वाशा वातावरण में बदलाव जीव जनावरों री हलचल हवा रो चलन मौसम रो मिजाज देख डंक और भडली आपरे अणभे ज्ञान भंडार ने उखेलियो और बिरखारा सटीक एनोण बताया। दिनों तपे तावड़ा रातों शीतल बाव डंक कहे रे बडली ए कालों रा बाव तोता तोणे तूषणे शिणियों तोणे चग डंक कहे रे बडली ए कालों रा पग। डंक आपरी अकल विद्या मुजब कहवे के ए बडली जे दिन री बेड़ा तावड़ो तपे अरे रात रे टोणे ठाडो बायरो बाजे तो काल पड़नो तय है। चेत मास में जे तूषणियों तोता तोणे अर शिणियों तुगी पोंगरे तो ए कालों रा पगे। उगन तेरो माछड़ो आत्म तेरी मोग डंग कहे बडली नदी ए चढ़सी गोग काकींडो कोंटे चढ़ियो एवड़ ऊंधे बाव डंग कहे बडली में पोहरों में आव। हे बडली जे दिन उगाली बखत सूरज माथे बादलों रो माछड़ो वे और आत्म तेरी वेला मोगों री लकीरों वे तो ऐसो जोरदार में बरसेला के नदियों रा गोग चढ़ेला। आगे डंग कहवे के जे गिरगिट किरड़ो कैर रोखरी ऊंचली डाली माथे चढ़ रंग बदले और लटका करे और भेड़ बकरियों री एवड़ ऊंधे वायरे उछेरो करे तो पोर घड़ी में जरूर आवेला। शुक्रवार री बादली रही शनिशर छाय डंक कहे हे भडली बरस्यों बना न जाय दिवा बीती पंचमी सोम शुक्र गुरु मूल डंक कहे हे भडली निपजय सातुई तूल
सुकाल सौठी बरखारा एंदौन बताओ तो डंक कहवे के हे बडली शुक्रवार री बादली जे शनिवार तई छायोड़ी रहे तो बिना बरसियों नहीं जावे अर जे चांदनी पंचम रे दिहाड़े सोम शुक्र अर गुरुवार अर मूल नक्षत्र वे तो धरती माथे जोर जमानो जमेला अर सातों ही धौन पकेला। सोमाओं शुक्रों सुरगरों जे चंदो उगंत डंक कहे हे भडली जल थल एक करंत अषाढ़ मास पुनो दिवस बादल घेरे चंद तो भडरी जोशी कहे होवे परम आनंद। हे भडली आषाढ़ में जे सोम शुक्र गुरु ने चंद्र दर्शन हो जावे तो धरती माथे जड़ैकारी जड़ैकार हो जावेला और अषाढ़ री पूनम ने चौंद पाकी जड़े री वे तो पछे कई बातों करनी है अंदरी बुंशियां बाजेला। आद चढ़ी बाद झूपड़ झोला खाज डंक कहे भडली ए काला रावाज बैठाम नखों तारावली झल माथे आ जाय डंक कहे रे भडली मेहरी आश पलाय। ऋषि डंक अकाल रा एंदान बताव तो भडली ने कहवे जय अषाढ़ महीने आदरा नक्तर में अराड़ी ओंदी छूट जावे अर झूपड़ा झोला खावण लागे तो ए कालो रा अहंकार है मेनी बरसेला। इन तरह आवा आबे में आकाश गंगारी डोंडी सोपो पड़ो सू पेला बैठे मिनखों सीधी माथे आ जावे तो बरखारी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। भाषा डंक भडली रो सौठो संवाद आज रे भगत में बरखार जमाने रे मामले में खरो उतरे। इन पड़ सिंह रे सागे खेती प्रधान देश में कई गुणीजन हुआ जिको कुदरत री हरेक हलचल माथे बरसों तई निगेदास्ती कर आजमाइश की दी जिको आज लोक देवन रे मोए दुआ और ओखण में चावी ठावी है। यूं तो अखाती सू पछे बरसे जदी बरसाड़ो वे है जेठ री वायोड़ी कई बार खाई हाँ पण असल में अपो अषाढ़ रहाड़ी हाँ जेठर अषाढ़ महीना करसों रे जीवरी जड़ी होया करे आखे बरस अर जमानेरी शाख जेठ अषाढ़ माथे बाधे। वाजा जूनी कहवत है कहचेत भलो नी चमकियो बूठो भलो नी जेठ रूठो भलो नी राजवी तूठो भलो नी शेठ। चेत मैंने बिजली चमके अर जेठ में अगत में बरसे तो उत्तो नुकसान करे जितो कोफ्योड़ो राजा अर तूठवान शेठ करे। जेठ मैंने में 14 दिनों रा रोण नक्तर तपे तो भला अर 14 दिनारी मृगसरा नक्तर वायरो बाजे तो भलो जनसू आगे आदरों में मे बरसन री सोंगो पोंग उम्मीद बाधे। जदे तो कहो है रोहण तपे मृग बाजे तो वादरा अण चित्या गाजे। मृग नक्तरा 14 दिन वायरो बाजनो कई आवण वाली आफतों टाले। इन्होंने वाइया कहे एक दुओ घणो सतोलो है कह दो मूसा दो कातरा दो तिडी दो ताव दोरी बादी जल हरे दो विश्वर दो भाव। मृग नक्तरा शुरुआती 2 दिन ऊंदरों रा उन पछे 2 दिन कातरों रा उन पछे 2 दिन तिडी रा उन पछे 2 दिन ताव तपाली रा 2 दिन जल रा 2 दिन बिशरों रा अर छेला 2 दिन ओंदी बावणों रा है। इन 14 दिनों में हवा बाजती रहनी चाहिए जिन दिन वायु अमुजोड़ो और टूंपी जोड़ो बाजे तो नुकसान वेला। मान लियो मृगरा शुरुआती 2 दिन हवा नहीं बाजी तो धरती माथे ऊंदरों रो चाड़ो घणो रहेला अर खूंटोड़ा सिरटा शू मुश्का आपरा बिल भरेला। भाषा काती महीने रा कश सुगन विचार और ज्योतिष मामले में घणो मायनो राखे। इन बाबत एक दुओ कहड़ो है जिन दिन दिशे गरबड़ो तेसू छठे मास ऊपर पंदरे दिवसड़ा मे बरसण री आश। मारे कुटुंब में महागुणी और सुगनी शक्ति समझी बारा कातिरे कसौरा जानकार हा और अंगड़िया माथे लेखो ले पहला बता देता के फलाने दिन में बरसेला और बात जोड़े होना साची निकलती। शक्ति बा कहता के काती मास में बरखारो गर्भ बाधे और 6.5 महीनों में ओ गर्भ पके। कातिरे आखे महीने रा कश 3.5 दिन रे पखरे और 7 दिन महीने रे हिसाब से चौमासे रे अषाढ़ श्रवण भाद्रे और आशु में बरसे। किती गजब गणित ही उन मिनखारी इंद्र सागे पो महीने री चौंदनी दशम और मघ महीने री सातम ने जे आबे में कश वे तो जमानो कदे नमूल नहीं जावे। वाजा आबे में बादली री रचना देख मिनक मेह बरसन रो अंदाजो लगाए देता। इन बाबत एक दू है तितर पंखी बादली विधवा काजल रेख ए बरसे ओ घर करे इनमें मीन न मेख।
जे आ बेरे मोय तीतर पंखी बादली दिखे अर दुआगण लगाई रे आंख में काजलियरी हल्की सी रेख दिशे तो समझनो चाहिए के ए बादली जरूर बरसेला अर ओ नार जरूर पाछो घर बसावेला। इन बात में नी तो मीन है अर नी कोई मेख है। करसा ने अषाढ़ रे चांदरी घणी उड़ीक रेवे। कहवत है सदाए तो सुतो भलो उभो भलो अषाढ़। अषाढ़ रो चांद उभो चौतणो हल रे आकार में देठाड़ो देवे तो बरखा करेला अर जमानो जोर जमेला। बाकी ग्यारह महीना रो चांद सूतो भलो जिनसु सुख शांति रेवे। अषाढ़ मास री सूरज नम बरखारी उम्मीद अर भविष्यवाणी रो छेलो आयटो है। इन सारू एक कविता है। सूरज नम रे दिवसड़े घन बादल घन बीज धोरे राखे बलदिया खोले राखे बीज। सूरज न मरे दिवसड़े नी बादल नी बीज तो हल भंगे ईंधन करे उभो चाबे बीज। सूरज नमरे दिन आवेरे मोय बादल दिशे अर बिजली खेवे तो कर्मे भागे जमानो जम जावेला। इन सारू बीज भात बलदिया संभाय राख दे पण जे उन दिन आबो साव निर्मलो कुतोरो चाटियोडो नजर आवे नी कटे खेवण तो टिपड़को दिखे तो भला मन को कहो है के फली नी फाटेला अर बिना मतलब दोणा मते ढोल जे अड़ तो भौंजेर बड़ी तो कर जे अर बीज रो दुपारो कर लीजे। वासा इन तरह जूने जमाने रा ईमान धर्म वाला लूठा मनक खेती बाड़ी रे उत्तम काम में आपरी जिया जून खपाए निरोगे शरीर सो सो बरस री उम्र केवटे देखते नैने और हालते घोड़े सुरख सदाय गया। ओ मिनक काग तीतर पालम कोचरी पपैया गगू तलोर मोर श्याण लौकी श्वान आ जनावरों और पंखी बोंडरा जानकार हा। जनावरों रो हल चलन देख वे लोग बिरखारो अंदाजो इण बहुत लगावता। श्वान उजू की मुख श्वास ले गुंगो गोबर गुड़कावे जल जंतु अकुल लावे तो गीत गोह में लगावे बादलों रेण बासी उरे रहेर उगंतो भौण भड़हल तणो पंडित जोतक देख मती घण बरसे इतरो गुणो। जे कुत्ता ऊंचो बाको फाड़ सांस लेवे गूंगा गोबरी गोलियों गिड़कावे जीवरा जलरा जीव आवाज करे गोहों गोईरा मेल केल करे बासी बादल रात भर छाया रेवे उगंतो सूरज अणुतो तपे तो पंडित जी अर जोत की जी ने टीपणा देखनी जुगत नहीं करनी है। इन नाणे बड़ो में बरसेला। इन तरह चोखी खेती और सावठी पाक सारूँ हवारो रुख पण घणो फायदेमंद होया करे। गुणी मन कई वर्षा रे अनुभव और पतियारे मुजब फतबे आए जावती तो उन सफल प्रयोग रो नतीजो आम जन में चाव कर देता। श्रवण में सूर्यो बाजे भादर वे पुरवाई आशो जाऊं उत्तराध बाजे काती शाख सवाई। बाजा संसार रो पेट पालनियो अंदाता किसान वाकई भगवान रो अवतार है जिको किती आफतों सु जूझ तो हार्ड तोड़ मेहनत कर अन देवता ने उपावे जिन माथे मन खेरी दही बादोड़ी है। खेत में उबो एक करसो कोई जुद भोम रे महारथी सु कम कोनी होया करे। कर्म जोगी करसो किणी धनतरजी गरज नहीं करे बो तो भगत मे महाराज री गरज कर तो कहवे। दूजा तो सब बिरचना तू मत बिरचे मेह ते बिरचों भूपत डिगे साजन देवे छे। वाजा मर्दर रे लोक जीवन रो सांवटो सुगन साहित मायड भाषा राजस्थानी बिना कठे नहीं मिले। इनमें घण करो साहित आज ही कठे लिखित में नहीं है फकत मुख जबानी घणे कम लोगों ने याद है। मोरे परिवार में भीमजी भारथिंग बारा आठ एक फुट डीगा रिटायर फौजी हा। अड्डा रे फापराए की जगह माथे बैठे जिमता चार घड़ोरी भरोड़ी माट कोनो सु जेलर गाड़ी ने माथे राख देता। उबड़े ऊँट माथे टप्पो देन चढ़ जाता पांच उंगलियां सु पानी रो घड़ो और पकड़ और कोटड़ी ले जाता। दिन में 50 झोली बाजरी खूंटता और एक ही धींक मुके सु अलाम पोंगड़ और जड़े ऊँट ने नीचे गुड़का देता। ए सगली चीजों मुँह मारी आँखियाँ देखी जिको मैंने आज रे दिन जो याद है। फौजी भीम जी आप रे अंदाज सु बारे मासो सुनावता उनने सुन में टाबर खूब हंसता और कूदता। काल जद भाई साहब उमेश सिंह जी अठे बाड़मेर पधार्या तो मुँह मने भीम जी वालों बारे मासो सुनावन री अर्ज की दी तो वह इणगत सुनायो भीम जी वालों बारे मासो। कहचे ते मैने चिया मोरिया मोरी रे बणराज के बना बूठे हरी हुगो वारे सैया वाह
बेशक मैंने लुआ पाजे ठंडो पौनी पा ठंडी गुड़ी छिया सुवा वारे सैया वा जेठ मैने कड़ा तपे बाजे डखण बाव कन्नारे काकरिया लागे वारे सई वा अषाढ़ मैने अंदर आयो मेघ माला हाथ के नाडा नाडी सब भरया वारे सैया वा श्रवण मैने सोई आयो निदोनो री लाह के हाली नाली भेड़ा हुआ वारे सैया वा भाद्र मैने रुत जमी घीरो केड़ो भाव बगर तोल्यो बुणिया पठे वारे सैया वा आशु मैने आश बंदी मेहो अंधी माँ के धरती माथे धोन ठयो वारे सैया वा काती मैने करड़ा चट्टा भावे जो तो खाओ के मत्ती रो रो मेहो मुठो वारे सैया वा मगर मैने मोता जाग्या लेखो करण आय धुर बोरा दोनों राजी वारे सैया वा पोहो मैने ठंड पड़े बाजे उतर भाव बन्ना बाड़िया अक बड़े वारे सैया वा माघ मैने रुत भली सौधाणो रोसा के सुता बैठा लाडू खावे वारे सैया वा फागण मैने फाग खेले गहली मंगल गाय बुढ़ा ठाडा सबे नाचे वारे सैया वा वा सैया थारी कुदरत है और बारे मैणो रो बारे मासो इन तरह बरस रे बारे मैणो रो वारे स्वभाव मुजब मौसम मुजब श्रावण जोग सौंगो पोंग बरनाव दुनिया रे साहित्य में लिखित में कठे नहीं मिले ओ सौंठी अलिखित धरोहर अपो नी सौंभी तो हवड़े हवड़े लुपत हो जावला सगड़ो मोटियारों टाबरों ने मारी ओ भड़ावण है के भले था लोग संसार री सगली भाषाओं ने भणो गुणो पण अपारी देव समान संस्कृति री जड़ों ने मत भूलजो मायड़ भाषा रे इन अनमोल खजाने रो गोत करो बूढ़ियों वडेरों कने घड़ी वेड़ा बैठा करो और सीख लिया करो जिनसू ज्ञान बदेला गुणीजनों ने अर्ज है के वो एक डिंगल री एक किताब छापी हो डिंगल रसावल आपने कि नहीं खरीदनी हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दियड़ो है अनुसार अमेजन से आप खरीद सको।